Hey, what's up guys? Hi, this is Akshay. Welcome back to the channel after a very long time. As you all know, अपने चैनल पर मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं एंड मोटो व्लॉगिंग के टाइम पर राइडिंग गियर्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आज मैं अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ ईगो इटली राइडिंग शूज़ को. पहले इसे अनबॉक्स करते हैं और फिर इसकी क्वालिटी चेक करेंगे और लास्ट में आपसे मैं ये भी शेयर करूँगा कि मैंने इन शूज़ को क्यों सिलेक्ट किए. अपने मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मैंने इन शूज़ को क्यों सिलेक्ट किया ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ. ये इसका बॉक्स है और इसकी बॉक्स की क्वालिटी एकदम एवरेज है और मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और अमेज़ॉन पर भी ये अवेलेबल है. उसके साथ साथ आप इनकी जो वेबसाइट है ईगो इटली की, यहाँ से भी ये शूज़ ले सकते हो. शूज़ में दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर. हियर वी गो. ये है शूज़. तो मैंने ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, मैंने अनबॉक्स कर दिया था तो इसकी पैकिंग अच्छी थी. बॉक्स की कंडीशन ठीक नहीं थी लेकिन पैकिंग अच्छी थी, नो कंप्लेंट्स. और जहाँ तक शूज़ की बात है तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ. टॉकिंग अबाउट द शूज़, इनकी फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है. उसके साथ साथ ये जो आप लेदर देख रहे हो, ये एब्रेशन रेजिस्टेंस लेदर है. इसके जो सोल है वो लाइट वेट PU सोल है और शॉक एब्जॉर्प्शन भी है इसमें. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ प्रोटेक्शन वाइज, वो इसका है स्टील टो प्रोटेक्शन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट. उसके साथ साथ यहाँ पे एंकल में एक मटेरियल है जो एंकल प्रोटेक्शन के काम आएगा. उसके साथ साथ जो लाइट रिफ्लेक्टर्स आप देख रहे हो एट हील साइड, ये एक है जो अगर आप नाइट राइड कर रहे हो तो उस टाइम पे ये बेसिकली बहुत यूज़फुल फीचर है. बेसिकली ये शूज़ वाटरप्रूफ नहीं है, ये वाटर रेजिस्टेंट है. और पता नहीं क्यों लेकिन पहले यहाँ पे इन शूज़ पर वाटर रेजिस्टेंट का टैग आता था लेकिन अभी नहीं है, हटा दिया है कंपनी ने. और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक वेलक्रो है और इसकी भी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है. तो अभी के लिए नो कंप्लेंट्स अबाउट दिस शूज़. मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जो है इन शूज़ के साथ वो बहुत अच्छा है. अगर मैं बात करूँ बाकाबूची के शूज़ के तो वो मोटो इंस्पायर्ड शूज़ है लेकिन वो एक प्रॉपर राइडिंग शूज़ नहीं है, वो ट्रैकिंग बूट्स बोल सकते हो आप. और मैंने उनके रिव्यूज़ भी देखे, उसमें स्टील टो नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है राइडिंग शूज़ में. अगर दोनों में से ऑप्शन अगर मुझे सिलेक्ट करना हो तो समझता हूँ कि ईगो इटली बेस्ट है. उसके साथ साथ पैरा ट्रूपर्स के भी शूज़ आते हैं जो बहुत ही कम रेंज में आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो. लेकिन उसका जो लुक है वो प्रॉपर मिलिट्री शूज़ जैसा है. राइडिंग शूज़ के लिए ये एक ऑप्शन ही है मेरे अकॉर्डिंग. और ईगो इटली के और एक शूज़ आते हैं राइडर टू करके, ये राइडर वन है और वो राइडर टू करके आते हैं. तो उनमें ये प्रॉब्लम था कि उसका मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का रिव्यू देखा तो उसमें मुझे पता चला कि वो लॉन्ग राइड के लिए ठीक नहीं है शूज़. सिटी राइड के लिए ठीक है, लॉन्ग राइड में मतलब बहुत टाइम के बाद वो शूज़ ख़राब हो जाते हैं, उनकी जो स्टिचिंग की क्वालिटी है वो कुछ ठीक नहीं है. इसकी वजह से मैंने ये शूज़ सिलेक्ट किए. तो देखते हैं ये शूज़ कैसे हैं, ये मैं आपको अच्छे से एक राइड लेने के बाद ही बता सकता हूँ. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि राइडिंग गियर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोटो व्लॉगिंग की तरफ से एक सजेशन है कि अगर आपको राइडिंग बूट्स लेने हैं, अगर आप एक बिगनर राइडर हैं, गो फॉर इट. इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं. इवन मैंने बाकी यूट्यूबर्स के रिव्यू भी देखे, उसके बेसिस पे मैंने खुद ने ये सिलेक्ट किए शूज़. अगर आपका बजट है तो यू कैन गो फॉर ओरेजो एंड अदर ब्रांड्स, और अगर आपका बजट कम है तो इससे भी कम में पैराट्रूपर्स के भी शूज़ आते हैं, यू कैन गो फॉर देम. लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर है अवेलेबल आपके पास, मतलब अगर आप कुछ जुगाड़ कर सकते हो तो गो फॉर दिस शूज़. फाइनली मैं वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ. ऐसे वीडियोस अपने चैनल पर आते रहेंगे. ऐसे वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. तो मिलते हैं अगले व्लॉग में. बाय बाय.